प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत के अंतर्गत पाठ 7 कर्ण। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं पाठ 6 भीम। उसमें हमने यह जाना कि महाराज पांडु की मृत्यु के बाद पांचों पांडव कुंती के साथ हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर में वे कौरवों के साथ मिलकर कृपाचार्य के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने लगे। कालांतर में कृपाचार्य से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करना था। जैसे आप साल भर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर वार्षिक परीक्षा होती है, एनुअल एग्जाम होता है। उसमें आप परीक्षा देते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। यदि आपके सर्वोच्च अंक प्राप्त हुए तो आप सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिए जाते हैं। पहले गुरुकुल में भी ऐसे ही होता था। गुरु शिष्यों को शिक्षा देते थे। उसके बाद जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, तब नगर में एक समारोह होता था और उस समारोह में उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना पड़ता था। और जो अपनी प्रतिभा का निपुणता के साथ प्रदर्शन करता था, उसे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी घोषित कर दिया जाता था। तो इस तरह से कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य के से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई, तो नगर में यानी हस्तिनापुर की राजधानी में बहुत बड़ा समारोह किया गया और समारोह में सभी परिजनों, पुरजनों और नगर वासियों के सामने इन राजकुमारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उसमें अर्जुन ने अपनी कला का इस तरह से प्रदर्शन किया कि सबने उसकी प्रशंसा की। ठीक उसी समय कर्ण आया और उसने अर्जुन को चुनौती दी कि अर्जुन, तुमने जिस कला का प्रदर्शन किया है, तुमने जिस कौशल का प्रदर्शन किया है, मैं ठीक वैसे ही कौशल का प्रदर्शन कर सकता हूं। उसके अतिरिक्त और भी अधिक दूसरे दूसरे कला का भी प्रदर्शन कर सकता हूं, दूसरे कौशल का भी प्रदर्शन कर सकता हूं। क्या तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो? द्वंद्व युद्ध यानी आमने सामने का युद्ध। इसके बाद एक अर्जुन ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, बिना अनुमति के इस तरह से सभा में आ गए। जो बिना अनुमति के सभा में आ जाता है, बिना आमंत्रण के सभा में आ जाता है, उसकी निंदा होती है। तब कर्ण ने कहा कि यह केवल कहने की बातें हैं, यह केवल तुम लोगों के लिए ही यह समारोह नहीं हो रहा है, केवल राज युवकों के लिए, राजकुमारों के लिए ही यह समारोह नहीं है, यह आम व्यक्ति के लिए भी समारोह है, आम जन के लिए भी है, कोई भी इसमें भाग ले सकता है। और मैं एक आम व्यक्ति हूँ, मैं इसमें भाग लेना चाहता हूँ। तुम डींग मारना छोड़ो और मुझसे युद्ध करो। तब राजमाता कुंती, उसने पहचान लिया कर्ण को कि यही कर्ण है, क्योंकि कर्ण के कान में कुंडल था और उसके शरीर में कवच था, यह जन्मजात था। तो जिस समय कर्ण की प्राप्ति हुई थी सूर्यदेव से, उस समय भी वह कवच और कुंडल था। और उस कवच कुंडल को कुंती देखी रहती है और यहाँ इस सभा में आए हुए इस युवक ने भी वही कवच कुंडल धारण कर रखा है, इसलिए कुंती पहचान गई कि यही कर्ण है और यही मेरा पुत्र है। तब वह मूर्छित हो गई। फिर कृपाचार्य ने दासियों के द्वारा उसकी मूर्छा का निवारण किया, वह होश में आई। फिर कृपाचार्य ने कर्ण से पूछा कि यह अर्जुन है, कुरुवंश का राजकुमार है, यह हर किसी से युद्ध नहीं कर सकता, यह केवल राज परिवार में जन्मे राजकुमारों से ही युद्ध कर सकता है। तुम अपना परिचय दो कि तुम किस राजकुल को सुशोभित करते हो। तब कर्ण मौन हो गया, क्योंकि सभी उस समय जानते थे कि कर्ण का पिता अधिरथ सारथी है। किसी को पता नहीं था कि कर्ण कुंती का पुत्र है, यह क्षत्रिय है, यह भी कुरुवंशी है। सब उसे अधिरथ के पुत्र के रूप में जानते थे, इसलिए किसी राजवंश से संबंधित न होने के कारण कर्ण न बतला सका। कर्ण को इस तरह अपमानित होते देख दुर्योधन तुरंत आया और दुर्योधन ने कहा, जब बराबरी की बात है तो मैं इसे अंग देश का राजा बनाता हूं। दुर्योधन पांडवों से जलता था। आज उसे पहली बार पता चला कि कोई ऐसा है जो अर्जुन को चुनौती दे सकता है, कोई ऐसा है जो पांडवों को ललकार सकता है। इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि कर्ण
अर्जुन को चुनौती दे सकता है, तो उसने तुरंत ही कर्ण से मित्रता कर ली। कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, उसने भीष्म पितामह से अनुमति ली, अपने पिता धृतराष्ट्र से अनुमति ली और वहीं राज्याभिषेक के सामान को मंगवाया और उसी सभा में ही कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उसी समय अधिरथ आए, अधिरथ को देखकर कर्ण तुरंत अधिरथ के पास गए और अधिरथ को उन्होंने पिता तुल्य मानते हुए उनका चरण वंदन किया, क्योंकि उस समय कर्ण अधिरथ को ही अपना पिता मानते थे, उन्हें पता नहीं था कि वे कुंती के पुत्र हैं। तो इसलिए जब सबने देखा कि अरे यह तो अधिरथ का पुत्र है, और भीम ने भी देखा तो भीम ने जोरों का ठहाका लगाया और कहा कि तुम सारथी पुत्र हो, तुम्हारे हाथ में चाबुक होना चाहिए, तुम अर्जुन से मुकाबला करने के योग्य नहीं हो। उसके बाद सूर्यास्त हो गया और सभा विसर्जित हो गई, यानी सभा समाप्त हो गई। कर्ण के विषय में यह भी कहा जाता है कि कर्ण के पास कवच कुंडल था और कवच कुंडल जन्मजात था और कवच कुंडल होने के कारण वह अजेय था, उसे कोई भी जीत नहीं सकता था और वह मर भी नहीं सकता था, मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हो सकता था। तो इसीलिए देवराज इंद्र ने, जिन्हें अर्जुन का पिता कहा जाता है, क्योंकि अर्जुन देवराज इंद्र की कृपा से ही कुंती को प्राप्त हुए थे, जिस तरह सूर्यदेव की कृपा से कर्ण कुंती को प्राप्त हुए थे, इसलिए देवराज इंद्र ने सोचा कि कवच कुंडल होने के कारण कर्ण को मारा नहीं जा सकता, इसलिए उससे कवच कुंडल ले लिया जाए। उस समय कर्ण महादानी के रूप में प्रसिद्ध था, सूर्योदय के समय उसके पास कोई आकर कुछ भी मांग सकता था, कुछ भी मांगता था तो वह उसे सहर्ष दान में दे देता था। महादानी दानवीर कर्ण के रूप में वह सुप्रसिद्ध था। रात के समय सूर्यदेव स्वयं आ गए, क्योंकि सूर्यदेव भी कर्ण को अपना पुत्र मानते थे, क्योंकि सूर्यदेव की कृपा से ही कर्ण कुंती को प्राप्त हुआ था, इसलिए सूर्यदेव ने बतलाया कि कल सूर्योदय के समय देवराज इंद्र ब्राह्मण के वेश में कवच कुंडल मांगने आएंगे, तुम देना नहीं। सूर्योदय के समय गंगा स्नान के बाद जब वह याचकों को दान देने लगा, उसी समय ब्राह्मण के वेश में देवराज इंद्र आए। इंद्र ने उससे कवच कुंडल मांगा और उसने सहर्ष कवच कुंडल अपने शरीर से फुरच कर निकाला और दे दिया। कुंडल को उसने काट लिया बाणों के द्वारा और कवच जो उसके पूरे शरीर के साथ लगा हुआ था उसे बाण से उसे काट कर निकाला और इंद्र को दे दिया। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि तुम वास्तव में महादानी हो, तुम उससे वर मांगो। तब कर्ण ने कहा कि मैं केवल अर्जुन को अपना शत्रु मानता हूं, उससे सामना करने के लिए मुझे आप अपना शक्ति नामक अस्त्र दे दीजिए। तब इंद्र ने शक्ति नामक अस्त्र देते हुए कहा कि तुम इसका प्रयोग जिस पर करोगे उसकी अवश्य मृत्यु होगी, लेकिन इसका प्रयोग तुम एक बार कर सकते हो, इसके बाद यह फिर वापस मेरे पास लौट आएगा। कालांतर में हम सभी को पता है कि घटोत्कच युद्ध करने के लिए आया, उसने ऐसी भीषण मारकाट मचाई कि दुर्योधन भागे भागे कर्ण के पास गया और उसने कर्ण से विनती की कि इससे हमारी रक्षा करो। तब कर्ण को न चाहते हुए भी उस शक्ति अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा और उससे घटोत्कच की मृत्यु हो गई, किंतु अर्जुन की रक्षा हो गई। उस समय महाभारत काल में जिस समय कर्ण और अर्जुन इत्यादि थे, तो उस समय सबसे प्रकांड विद्वान गुरु माने जाते थे परशुराम जी। परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्रायः सभी महायोद्धाओं ने प्राप्त की थी। अर्जुन कर्ण की भी इच्छा थी कि वह उनसे जाकर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि ब्राह्मण को छोड़कर वे किसी और को शिक्षा नहीं देंगे। इसलिए कर्ण उनके पास जाता है और उनसे छल करता है, अपने आप को ब्राह्मण कहता है, तो उसे ब्राह्मण युवक समझकर परशुराम जी उसे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। एक बार होता ऐसा है कि कर्ण बैठे रहता है और कर्ण की गोद में सिर रखकर परशुराम जी सोए रहते हैं, उसी समय एक काला भंवरा आता है और कर्ण की जांघ को काटने लगता है, उसमें छेद करने लगता है।
कर्ण को बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन वह चाहते हुए भी अपने जांग को नहीं हिला सकता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं जांग हिलाऊंगा तो मेरे गुरु की नींद टूट जाएगी, उन्हें असुविधा होगी। इसलिए वह सारी पीड़ा को, सारे कष्ट को सहता हुआ वह चुपचाप बैठा रहता है। खून की धारा बह निकलती है और गर्म लहू, लहू मतलब खून, रक्त जब परशुराम जी के शरीर को छूता है, तब परशुराम जी उस गर्म लहू के कारण जग जाते हैं। वे देखते हैं कि अरे इसकी जांग से लहू बह रहा है, खून बह रहा है। तब वे समझ आते हैं कि इतना सहनशील ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो वे इससे पूछते हैं कि सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण अपने आप को छिपा नहीं पाता और वह सच बतला देता है। तब परशुराम जी क्रोधित होते हैं और कहते हैं तुमने अपने गुरु से छल किया है, इसलिए मैंने तुम्हें जो भी विद्या सिखाई है जब उसकी आवश्यकता होगी तब ठीक समय पर तुम उस विद्या को भूल जाओगे। और ऐसा ही हुआ। जीवन भर जिस विद्या को कर्ण ने याद रखी, महाभारत के समय में, महाभारत युद्ध के समय में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, उस समय कर्ण सारी विद्या भूल गया। और कर्ण को यह साफ भी था कि उसका रथ का चक्का पृथ्वी में धसेगा, तो उसी समय रथ का चक्का जैसे ही धसा, अपनी अस्त्र शस्त्र को रखकर कर्ण उस धसे हुए चक्के को बाहर निकालने लगा, लेकिन चक्का नहीं निकल रहा था। उसी समय भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भीषण आघात करते हुए कर्ण का वध कर दिया। तो इस तरह महाप्रतापी, महावीर, महादानी कर्ण का अंत हो गया। तो यह पारसात कर्ण की कथा वस्तु है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर को समझते हैं। प्रश्न एक, समारोह में लोगों ने किसकी प्रशंसा की? उत्तर, समारोह में लोगों ने अर्जुन की प्रशंसा की। प्रश्न दो, अर्जुन को किसने चुनौती दी? उत्तर, अर्जुन को कर्ण ने चुनौती दी। प्रश्न तीन, कर्ण को अंग देश का राजा किसने बनाया? उत्तर, कर्ण को अंग देश का राजा दुर्योधन ने बनाया। प्रश्न चार, कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा? उत्तर, कर्ण से कवच कुंडल देवराज इंद्र ने मांगा। प्रश्न पांच, कर्ण को किसने पहचाना? उत्तर, कर्ण को कुंती ने पहचाना। छठवां प्रश्न है, कर्ण ने किससे ब्रह्मास्त्र विद्या सीखी? उत्तर, कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मास्त्र विद्या सीखी। प्रश्न सात, परशुराम ने किसे अभिशाप दिया? उत्तर, परशुराम ने कर्ण को अभिशाप दिया। आठवां प्रश्न है, कर्ण का वध किसने किया? उत्तर, कर्ण का वध अर्जुन ने किया। तो ये प्रश्नोत्तर है, इसे आप अपनी बाल महाभारत कॉपी में लिख लीजिए और इनका निरंतर अभ्यास कीजिए, इन्हें याद कीजिए। धन्यवाद।